जैसे जैसे अक्टूबर नज़दीक आ रहा है, न्यू स्मार्टफोन्स के लॉन्च के लिए एक्साइटमेंट बढ़ती जा रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, मेरा नाम है धूमेंद्र। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वन प्लस नॉट के N10 सीरीज के बारे में। ये जो फोन होने वाला है वो बजट कैटेगरी का डिवाइस होने वाला है, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। अगर आप इस डिवाइस को खरीदना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको इस डिवाइस से जुड़ी सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। डिवाइस की स्पेसिफिकेशन क्या होगी और कब तक के लॉन्च होगा, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले के, तो इस पर जो वन प्लस नॉट N10 में है, आपको माइनर अपग्रेड देखने को मिलेगा डिस्प्ले के मामले में। अगर लीक्स की तो इस फोन में आपको जो है 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस डिस्प्ले की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आपको नॉट की ही तरह इसमें भी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इस डिस्प्ले का जो डिजाइन है वो सिंगल पंच होल कैमरा कटआउट के साथ आएगा, पिछले वाले वन प्लस नॉट की ही तरह, लेकिन इस बार आपको इस ड्यूल फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलेगा। तो यार अब बात कर लेते हैं वन प्लस नॉट N10 के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। जो कैमरा डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी तक के। अगर लीक्स की माने तो इस फोन में आपको जो है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा प्राइमरी शूटर के लिए, जो कि क्वाड कैमरा सेटअप में इनबिल्ट रहेगा। आपको इसमें जो है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर भी देखने को मिल जाएगा। रियर कैमरा के अलावा अगर हम लोग फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें जो है आपको 16 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिल जाएगा। जो सेकेंडरी कैमरा सेटअप है वो तो लगभग सेम ही है, इसमें जो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को निकाल दिया गया है, लेकिन जो मेन प्राइमरी सेंसर है उसमें आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाएगा इस बार। कैमरा प्रोसेसिंग की अगर माने तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड वर्जन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको ट्वीक किया जा सकता है। तो अब हम अगर इस फोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको वन प्लस नॉट की तरह प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिलेगा, साथ ही आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और जो कैमरा लेआउट होने वाला है बैक साइड का वो भी आपको वन प्लस नॉट की तरह ही दिखने वाला है। इसी के साथ आपको इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा फ्रंट और बैक में। इसी के साथ जो 3.5 mm हेडफोन जैक है उसे वन प्लस नॉट से हटा दिया गया है, यानी कि आपको इसमें भी इस प्रकार का कोई गड्ढा देखने को नहीं मिलेगा। एमोलेड पैनल होने के कारण आपको इस फोन में जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि वन प्लस नॉट की तरह ही फास्ट होने वाला है। इस डिवाइस के कोर में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 690 CPU देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ही आपको इस चिप में आपको जो है इनबिल्ट X51 मॉडेम देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 5G मॉडेम है। इसी के साथ जो ये प्रोसेसर है वो लास्ट जनरेशन 675 से 25% परफॉर्मेंस में बूस्टेड है। इसी के साथ इस डिवाइस में आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक 20W के फास्ट चार्जर के साथ पेयर होगी। 90Hz के डिस्प्ले के साथ ये जो बैटरी है आपको 4 से 6 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम दे देगी। अब इसी के साथ इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में बात करें, जो ये डिवाइस है आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में USA में लॉन्च होते हुए दिख जाएगा। इसी के साथ आपको इंडिया में नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम प्राइसिंग की बात करें, जो वन प्लस नॉट N10 का जो बेस वेरिएंट होने वाला है 664GB वेरिएंट, वो आपको 17,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ जो हायर वेरिएंट है 8 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, वो आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा।